हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रयाज फूड क्लब पे स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करूंगी सी फूड की रेसिपी। पिछले हफ्ते मैंने सी फूड की ग्रेवी वाली क्लाम की करी बनाई थी। आज आप देखेंगे कम से कम ऑयल में किस तरह से सी फूड पॉम्फ्रेट फिश फ्राई किए और क्या क्या मसाले लगाए इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप न करिए। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, तो प्लीज़ आप ये रेसिपी देखने के बाद लाइक करिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे आपको आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। जिस जगह से फिश खरीदी वहाँ उन लोगों को कहा मछली की अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के लिए और पीसेस करने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ ऐसे पतले पतले पीसेस उनसे कट करके लिए हैं और उसके ऊपर नमक लगा कर रखना है 15-20 मिनट के लिए। उससे जो उसका कच्चा स्मेल है वो निकल जाता है और 15 मिनट के बाद धो लेना है और बाकी आगे की प्रोसेस करेंगे। मछली के पीसेस धोने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये रेशियो है। इस तरह से उसके ऊपर डाल देना है और उसके ऊपर फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल देना है, फिर 1 टीस्पून नमक डाल देना है। नमक को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वादानुसार। इसलिए पहले फिश के टुकड़े थे उनको नमक लगाया था, तो अब अपने हिसाब से नमक डालकर सभी मसाले और नमक अदरक लहसुन पेस्ट को मछली के टुकड़ों को अच्छी तरह से लगा कर लेना है, उसके ऊपर कोट करना है। आप देखिए मैं अच्छी तरह से लगा कर ले रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो इस तरह से मछली के टुकड़ों को मैरिनेट करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आपको बनाना हो फ्राई करना हो तो थोड़ी देर पहले यानी 1 घंटा पहले बाहर निकाल कर रख देते हैं। लेकिन यहाँ मैं तुरंत बना रही हूँ। एक फ्राइंग पैन पे आप देखिए मैंने कम से कम तेल डाल लिया है और इस तरह से स्प्रेड करके ले रही हूँ। फिर एक प्लेट में यहाँ आप देख रहे हैं सूजी को, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। इस तरह से सूजी को आप मार्केट से ले आइए और फिर एक पीस उठाकर उसमें ऐसे रोल करना है, उसको कोट करना है जो मछली का पीस है आप देखिए, और फिर उठाकर फ्राइंग पैन पे रख देना है। इसी तरह से जितने पीस आपको फ्राई करने हैं आप सूजी से कोट करके पैन पे रख सकते हैं। शुरुआत में फ्राइंग पैन को अच्छी तरह से गर्म करके फिर मीडियम फ्लेम पे पैन को रखा और ऑयल डाला था। फिर उसके ऊपर आपने देखा मैंने जितने पीस मुझे चाहिए उतने लगा दिए हैं फ्राइंग पैन के ऊपर और थोड़ा साइड में इस तरह से ऑयल को डाल देना है। यहाँ आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो रखना है। इसलिए अगर फ्लेम हाई की तो मछली के पीसेस देखिए पतले हैं और उसके ऊपर जो मसाला और सूजी का कोट किया है वो जल जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं मैं जो सेंटर में पीस है उनको पलट कर चेक किया तो एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हुए हैं। अब जो साइड में जो पीसेस है उनको मैंने चेक किया तो अभी तक नहीं हुई, तो मैंने ऐसे रख दिया है। यहाँ मुझे लगा ऑयल थोड़ा कम है इसलिए फिर से थोड़ा साइड से ऑयल को मैंने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला है। इसलिए शैलो फ्राई करना है मछली के पीसेस को, डीप फ्राई नहीं करना है। और इस तरह से फ्राई करने से मछली अच्छी ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है और अंदर सॉफ्ट होती है। आप देखिए सभी पीसेस के कलर बहुत ही बढ़िया आया है और अब ये तैयार है।
मुझे इस वीडियो का थंबनेल बनाना था, इसलिए मैंने एक सर्विंग प्लेट में फ्राई फिश के टुकड़े लगा दिए हैं और साथ में ऑनियंस की रिंग्स, लेमन के पीसेस और धनिया पत्ता लगाकर गार्निश करके रखा है। फ्रेंड्स, आपको ज़रूरी नहीं ऐसे ही फ्राई फिश के टुकड़े को गार्निश करना है, ज़रूरी ये है कि इसमें ऑयल की मात्रा बहुत ही कम है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। उसके साथ आप जीरा राइस और मिक्स दाल बनाइए, बहुत ही परफेक्ट मेनू है। अगर आपको वेज और नॉन वेज का मेनू रखना है लंच के लिए या डिनर के लिए, तो लास्ट वीक मैंने क्लाम करी का रेसिपी डाला था और उसके पहले नान्स की, तो ये सारे के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप ये सब बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।